हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो रात को व्लॉग आ जाएगा ना, क्योंकि हम सो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो वो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग करो सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो भाई, ये केले स्टार केला खा रहे हैं, और इसकी शैतानी चालू है। ये देखो गाड़ी की चाबी लगी हुई है, पिटाई होनी है इसकी। तो अभी अभी हम काम कर रहे हैं, अभी धो रहे कपड़े। कपड़े धो रहे थे और आधे कपड़े रह गए, क्योंकि लाइट चली गई। अभी तो मशीन लगी हुई है, लाइट चल जा चुकी है। तो बना लेती हूँ पहले खाना, तब तक क्योंकि आज बनाएंगे हम कड़ी। रोटी हो गई अच्छे से, लहसुन प्याज डाल के। हाँ, कड़ी बनाएंगे, लहसुन प्याज डाल के अच्छे से, फिर कड़ी बनाएंगे हम। और देखो चेहरे में थकावट अभी भी दिख रही है, क्योंकि कल उसमें पार्टी में बहुत थक गए थे, और फिर घर पे भी। हाँ भाई, मुझे कड़ी बहुत पसंद है। कड़ी पसंद है, हाँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तला फला खाते खाते, अब कड़ी बनाए। कड़ी ना एक रिफ्रेशमेंट लाती है पूरा, और बहुत अच्छी लगती है। दही रखा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि बच्चे लगे हुए थे कंजकों वंजकों में 3 दिन तक कंटिन्यू, और बाहर का ही खाना खाया है मेरे तला के ना, दही बहुत ज़्यादा रखा भी है। 2-2 किलो की 2 डोली भरी रखी है। तो भैया भी मैं बनाएंगे और लस्सी बनाऊंगी फिर मैं। अब ये पिटने पे भैया भी इनकी छुट्टियां मैं कराऊंगी कैंसिल, क्योंकि ये शैतानी इतनी ज्यादा करते हैं, मानते नहीं है। तो ये कोई कुछ देने वाला थोड़ी है, खुश और ले चीज। मम्मी, नवंबर, नवंबर नेक्स्ट मंथ, दिवाली के बाद। पालक, मेथी और उधर चुकंदर, गाजर, करेले के बेल। उधर देखो मिट्टी दिख रही होगी ना आपको, ये दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने खड्डा किया है, तो यहाँ पे बताएंगे किचन वेस्ट का ऑर्गेनिक खाद, ठीक है। और देखिए ये देखो क्या बोला, क्या आने वाला है। हाँ, देख लो ये आजकल के बच्चे कितने दिमाग, और आधे गई सुने सूट पहना कैसे लगे। कपड़े गिर गए ना, सफेद कपड़ा कुछ लग गया, फिर हमने बताऊंगी मैं। तो बच्चों का माइंड इतना चलता है, कह रहा करवा चौथ भी आने वाले, इनको बताओ करवा चौथ क्या होता है, करवा चौथ आने वाला। और ऐसे राधा कल बोल रही थी, राधा कल बोले पापा को, पापा करवा चौथ तो आ रहा, मम्मी को साड़ी नहीं लेके आनी है ना राधा, रात को कह रही थी। इनको सब पता रहता है। अरे मेरे पकौड़ों की तैयारी हो चुकी है, रुक जा मैं करती लस्सी में। और भैया ये दही रखा है, अब इसकी लस्सी बनाऊंगी। तेल गर्म हो जाता है और अभी पिटेगा। कल तेरे मम्मी क्या दवाई मेरे पकौड़े बन चुके हैं। देखो कितने पकौड़े मैंने बेसन गोला, इतने पकौड़े बचे हैं, सारे खा गए देखो ये, है ना। यहाँ पे ये मैंने घोल दिया है मसाला लस्सी के साथ, और ये क्या वीडियो बनाऊं, बस की तो जरूरी जिम जाने। तो अभी हमने जीरा डाल दिया, मेथी डाल दी, और अब मैं डाल रही हूँ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता किसका जाएगा, लहसुन बिल्कुल भी चल जाएगी। हल्का
तो अभी अपन हमारी कढ़ी, तब तक मैं एक राउंड निकाल के आती हूँ कपड़ों का। मेरे कढ़ी में उबाल आ गया और मैंने आटा लगा लिया है। अब मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि भूख लगी है। तो मम्मी का दवाई जब मैंने इस तरह कही ना रात दो पच्चीस दी वाले मैंने बोला ना लू इसे इतना खा लिया उसका देखो उसमें दरवाजा लगाने का तने कैसे फेंक दिया। उसे किसने चिपट रहा जब तक क्या हो रहा था तेरे काम है ये सारे लड़ाई करवाने के। मैंने कर गया तो एक तो मत दिन हुआ तो दिया कर चीज ना तो एक तो मत दिया कर एक ना तो दे देगा फिर इनकी लड़ाई होगी आपस में। अरे तो बेचारी है एक काम ना करके दिया दस रुपये देगा तो इस पर करवा लेता कुछ भी क्यों नाटक हाँ बकवास करे अब क्यों लड़ रहे हो बात हो रही है तुम्हें नहीं मानो ये काम इस के ले को थोड़ी बार छोड़ दे अकेले को अब कर लेगा ये ले लो दे मत ले ले रुने आ रहा है तो मेरे पास रसोई मारी स्नान दिया चलते रहेगी मम्मी को भूख दवाई देनी मम्मी को झाड़ू पोछा हो गया आज मैंने पूरी दीवारें मेरे सब साफ कर दी है चमक रही है और यहाँ से भी पूरा पानी से पाइप लगा कर ये खेल रहे देखो चोट लगेगी भैया ये कौन है कौन आनु ये पोसी पड़ोसी तो ब्याज देखो गाड़ी पानी का तुम कांग खेलने के लिए काम खत्म करके हम ऊपर आ गए। अब हम ऊपर डालेंगे पौधों में पानी दे कुछ मुरझा गए हैं तीन दिन हो गए पानी नहीं डला इनमें और फिर सर्दियों के कपड़े निकाल लेंगे यहाँ पे सारे मुरझा रहे हैं देखो धूप में कैसे हो रहे हैं इधर धूप रहती है ये मिट्टी रेत के हो जाएंगे जूते ढंग तो उठा कर रख दे सुबह धोए थे हमने माँ बेटी ने मिलके चमका दिया पूरा घर तभी हमने ना सिर्फ पोछा मारा है हैं क्या इसु हाँ बहुत मेहनत करी है भाई ये देखो हमने पूछा पाइप मैंने इसलिए नहीं क्योंकि पूरा गिल्ला गिल्ला हो जाता सुबह भी सारा गिल्ला हो रहा हमने चार पांच बार पोछा ही मार दिया अब सिर्फ धोऊंगी इसको पाइप लगा के दिवाली से दो दिन पहले बस और हम निकालने जा रहे हैं सर्दियों के कपड़े वो देखो यहाँ से पूरा सारे पौधे जो पानी पूरा नहला दिया मैंने इनको सब खुश हो गए हरे हरे चमक रहे हैं तो ये पेंट वेंट का सामान पड़ा और ये देखो ये हमारा स्टोर रूम अब इसमें से मैं निकालती हूँ सर्दियों के कपड़े एक बार निकाल के रख देती हूँ फिर अगले संडे को या बीच में कभी भी अगर कोई छुट्टी होती है तो फिर सारे मैं धो लूँगी सर्दियों के कपड़े निकाल दिए ये देखो और अब तो टाइम नहीं है अब इनको धो लूँगी मैं ये धुलेंगे अब नेक्स्ट संडे को धोएंगे अब इनको हम तभी टाइम नहीं है क्योंकि शाम हो चुकी निकाल दिए हैं बाकी मैंने बीच में देखे नहीं मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है क्योंकि पेटी में और बैग में पैक करके रखा हुआ था तो बारिश का शायद वहाँ पे पानी गया ये नहीं पता कहाँ से गया तो सब में ना बहुत गंदी स्मेल आ रही है और कुछ कुछ पेन तो ब्लैक ब्लैक सब पता नहीं क्या जम गया है तो इसीलिए अगले संडे मतलब आने वाले संडे को इनको सबको धोऊंगी और जो ना पहनने वाले उनको निकालूंगी बच्चों के लिए नहीं तो अभी इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड एक बार उससे पहले पौधे देखो कुछ ये जो थे हमने इस पर सुखा दिए हैं थोड़ी हवा निकल जाएगी और यहाँ पे हमने साफ सफाई कर दी है पूरी छत पे और अब इन यहाँ सा मन कर रहा है कि अब इनके पास ही बैठे रहे नीचे ना जाएं मन ही नहीं कर रहा नीचे जाने का है ना इसु है ना क्योंकि नीचे पूरा बंद हो जाता है ऊपर खुला खुला तो बस अब जा रहे हैं हम नीचे और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे ऐसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक बने रहिए सबको हैप्पी दिवाली अब तो दिवाली आने वाली है दिवाली की साफ सफाई हमारी मोस्टली हमने आधी तो आज करी दी आधी हमने आज करी दी कुछ रहती है
वो हम अभी कर ही देंगे धीरे, मतलब इस हफ्ते में हमारी सफाई का काम कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, फिर डेकोरेशन का सामान लेंगे, एक दिन मैं सदर जाऊंगी, फिर पूरा सामान बच्चों के लिए बम पटाके जो भी कुछ है एक ही दिन में सब कुछ उठा लाऊंगी। तो तब तक आप हमारे इस ब्लॉग में बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।